कार्यालय पुलिस अधीक्षक दतिया के तत्वावधान में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने दतिया में पहली बार कार्यक्रम की रूपरेखा को दिया सहयोग। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दतिया में पहली बार कार्यालय पुलिस अधीक्षक दतिया के तत्वावधान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के प्रयासों से पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाओं के सम्मान में पटवारी फार्म हाउस पर कार्यक्रम रखा गया। 24 घंटे जो अपनी ड्यूटी ड्रेस पहनकर करती हैं, आज उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएफओ प्रियांशी सिंह राठौड़ रही। मंच संचालन नेहा शर्मा एवं आभार भूमिका दुबे ने व्यक्त किया एवं कार्यक्रम की रूपरेखा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने तैयार की। इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रियांशी सिंह राठौड़ ने महिलाओं के सम्मान में बताया कि एक महिला शिक्षित होगी तो कई पीढ़ियां शिक्षित होती हुई चली जाएंगी और प्रत्येक महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए गेम डांस प्रतियोगिता जैसे रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल, आरआई दतिया रविकांत शर्मा, एसडीओपी भांडेर मोहित यादव, एसआई भूमिका दुबे, एसआई नेहा शर्मा, एसआई प्रियंका यादव, दतिया जिले का समस्त पुलिस महिला स्टाफ के साथ महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सारी सोच अब बदली है, बहुत बदलाव आया है, इसलिए आज सभी हम मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ बैठे हो, तो इस सोच में जो बदलाव आया है उसी की वजह से हम सब आज यहाँ पे हैं। और मतलब ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, अभी तो और भी बदलाव आने की आवश्यकता है, तभी ऐसे जैसे हम लोग हैं ऐसे और भी लड़कियां आगे आएंगी। और मैं ये समझती हूँ लड़कियों को आगे आने के लिए सिर्फ उनको एक मौका चाहिए होता है और मतलब वो सोच सके, इसकी फ्रीडम उनको देनी चाहिए। मतलब अगर उनको मौका मिलेगा तो मुझे वो लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकती है। जैसे आज आप देखते हो कि लड़कियां फाइटर प्लेन्स भी चलाती है, लड़कियां डॉक्टर्स और वरिष्ठ पोस्ट पर भी आजकल है, लेकिन साइंटिस्ट वगैरह हर एक फील्ड, जिस फील्ड की भी आप बात करो, जो पहले ये सोचते थे कि सिर्फ पुरुषों के लिए होती है, उस जगह पे आज महिलाएं भी बैठी हुई है। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसे कि और बात मैं कहना चाहूंगी कि हम वो एक दूसरे का महिलाओं को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी मतलब जैसे मैं या कोई भी अगर किसी पोस्ट पे या सिलेक्शन होता है कुछ होता है तो उसको हमेशा मोटिवेट करें, और कोई अगर पीछे है कोई देखी है तो उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो महिलाओं को हमेशा आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, अगर हम मिलजुल के रहेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे चाहे वो दुख में हो कि सुख में हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जैसा कि अभी मैडम ही कह रही थी जो अभी मुझसे पहले आई थी, वो उनका भी यही कहना था कि हम घर पे अपनी सोच अभी भी बदली नहीं है। अब जैसे घर पे अगर बेटी और बेटा दोनों है तो अभी भी मैं देखती हूँ कि अगर भेजना है स्कूल तो वो बेटे को भेजते बेटी को मौका नहीं देता है। तो ये जो सोच है ये घर पे ही बदलनी है, फिर महिलाओं की सोच बदलेगी तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। और जो वो एक कहावत भी है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ वही पढ़ता है, और एक महिला अगर पढ़ती है तो उसकी बहुत सारी पीढ़ियां पढ़ जाती है। वो बात इसी ने कही गई है। तो मैं यही समझती हूँ कि घर पे महिलाएं बस अपनी सोच परिवर्तित करें, उससे ही बहुत अंतर आएगा। और जैसे हर साल वुमेन्स डे पे एक थीम होती है, तो इस साल का जो थीम है वो है चूज टू चैलेंज।
मतलब कि आप हर चीज मतलब कोई भी चीज ये ना समझो कि हम नहीं कर सकते, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और कोई भी मुसीबत आए कुछ भी आए उसको मतलब हर कोई आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं आसानी से यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, सबने मेहनत की होगी, बीच में अपना करता भी देखी होगी, लेकिन उससे कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए तभी हम आगे आएंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है ये एक्चुअली हमारे पास ये पुलिस वाले एडिशनल एसपी साहब इन लोगों का ही होता, वो लोग आए, उन्होंने कहा पूरे उनके लिए प्लानिंग करो और मुझे भी बिल्कुल सही लगा क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये दिन रात यूनिफॉर्म पहन के फील्ड में खड़ी रहती है, इनको ये सारे मौके जहाँ पे ये आए अपना एंजॉयमेंट करें, आज इन्हीं लोगों का दिन है, हम सबका दिन है, तो ऐसा होना चाहिए हर साल, मैं तो चाहूँगी ऐसा एक फंक्शन इन लोगों के लिए तो जरूरी होना चाहिए और मैं यही चाहूँगी कि आगे भी ये जो हमने आज शुरू किया है ट्रेडिशन तो हर साल ऐसा ही रहे, एक इनको साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब ये खुल के एंजॉय करें, ये लोग पूरे दिन कड़ी मेहनत करेंगे। फिर जिस समाज के लिए क्या आपका संदेश रहेगा आज के दिन के लिए? मेरे लिए यही संदेश रहेगा कि ये सभी महिलाएं जो है, मेरा संदेश मेरे लिए महिलाओं के लिए ये एक दूसरे के लिए उसको सपोर्ट करें हर चीज में, जब महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा और ये मैंने खुद देखा है, अनुभव किया कि जैसे कोई माँ है अगर वो चाहेगी कि उसकी बेटी भी शिक्षित हो तो बेटी की भी सोच बदलेगी बेटे की भी सोच बदलेगी, तो ये कहना कि एक पुरुष के साथ एक पीढ़ी पुरुष के साथ सिर्फ पुरुष ही शिक्षित होता है लेकिन अगर एक महिला है उसके साथ कई महिला शिक्षित होती है तो उसके साथ कई सारी पीढ़ियां। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।